नहीं आज के युग में। तो ये एक आर्य समाज का जो स्कूल है, और आर्य समाज जितने भी स्कूल हैं वो लगभग जो है बच्चों में जो है संस्कारित उनको करते हैं। अनुशासन में बताया जाएगा भी आगे किस प्रकार का। हाँ, जैसे कि आने वाले समय में चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, अब जैसे कोई इंजीनियर है पुल बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें कम करते हैं। कम से कम हमें इतना विश्वास है कि ये बच्चे जो हैं और जो पुल बनाएंगे वो पुल कभी नहीं गिरेगा, ये चीज़ ये बच्चे ज़रूर करेंगे। और चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कुछ भी, ये बच्चे काफ़ी हद तक जो है संस्कारित रहेंगे, समाज और परिवार और देश और संसार की उन्नति में बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां आज स्कूल के अंदर विदाई समारोह जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, और हवनयज आप देख सकते हैं, हवनयज के साथ है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नमस्कार, सीट तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नवीन। और इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको पानीपत के जीटी रोड स्थित आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां आज स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें हवन यज्ञ से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और बच्चों को जिन्हें उद्धारण कराए गए हैं और साथ ही साथ प्लस वन के जो बच्चे हैं प्लस टू के बच्चों को यहाँ पर विदाई समारोह जो पार्टी है वो दी जा रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बच्चों को जिन्हें उद्धारण कराए गए हैं, और अब मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ की जो शुरुआत है वो होगा, और उसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील कि वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। विदाई समारोह का जो एक कार्यक्रम है आज आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया है, और हवन यज्ञ से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, तमाम लोगों से अपील वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। मरने का संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ। तो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां आज स्कूल के अंदर विदाई समारोह जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, और हवन यज्ञ आप देख सकते हैं, हवन यज्ञ के साथ है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिन्हें बच्चों को धारण कराए गए हैं, और साथ के साथ जो बच्चे यहां से अब जाने वाले हैं उनको अनुशासन कि आगे वो किस प्रकार से जहां भी वो जाएंगे आगे शिक्षा के क्षेत्र में वो जाएं या रोजगार के क्षेत्र में जाए तो किस प्रकार का उनका अनुशासन होने वाला है, तमाम जो बातें हैं उनको यहाँ पर बताई गई हैं, सिखाया गया है। और हवन यज्ञ आप देख सकते हैं, हवन यज्ञ के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई है, और सभी जो बच्चे हैं वो इस हवन यज्ञ में शामिल है। आज विदाई समारोह आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोगों साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहे। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां आज स्कूल में विदाई समारोह का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। नमस्ते जी सभी को, आपको और आपके सभी दर्शकों को। आज हम अपने विद्यालय में जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका ये विदाई समारोह है, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th और 12th दोनों क्लासों के जो स्टूडेंट हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। इन सभी जो 11th क्लास के बच्चे हैं ये 12th क्लास वालों को विदाई समारोह अपने बड़े भाइयों को यहाँ से विदा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर सभी बच्चों को एक यज्ञ के रूप में, जो अलग दूसरे स्कूलों में एक फेयर पार्टी, तो उससे अलग भी एक विदाई समारोह यहाँ पर उसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर इन जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, इनको एक यज्ञ के माध्यम से जो समाज में व्यापक विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं उन सबसे दूर रखने के लिए इनको एक संकल्प दिलवाया जा रहा है, जिसमें एक यजोपति है जो जिसको जनेऊ भी बोलते हैं हम, वो धारण करवाया गया है, जिसमें कि वो समाज में ये जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं उनसे अपने आप को बचा सकें, अपने घर का, अपने का और अपने उसको जीवन को ऊँचा उठा सकें, और अपने देश की प्रगति, उन्नति और भविष्य का निर्माण कर सके। नमस्ते जी, सबसे पहले तो आपका आर्य स्कूल में स्वागत है, और आज का जो प्रोग्राम है वो बच्चों को, जो 45 बच्चे हैं उनको यजोपवीत धारण करवाया है, और यजोपवीत मर्यादाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने की जो है उनसे आस रखते हैं। और जैसे कि आज इंजीनियर डॉक्टर बन तो रहे हैं, पर जो
हमारी मान मर्यादा और संस्कार होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, आज स्कूल का फेयरवेल डे है और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने बच्चों ने खुद रुचि दिखाई और जो स्कूल का स्टाफ है उन्होंने भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर जो है रुचि दिखाते हुए इनको आज समझा कर इनकी मान मर्यादा यजोपवीत की और आने वाले समय में आप 12वीं पास आउट करने जो जा रहे हैं उनको बड़े संसार में कैसे ईमानदारी से और उससे रहना है ये चीज़ें इनको बताई और सिखाई गई हैं और सब ने आज हवन कुंड के सामने जो है शपथ लिया जैसा कि आपने भी देखा। तो ये बच्चे हमें विश्वास है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे समाज को बहुत अच्छा अपना बेस्ट और ईमानदारी से जो है अपना जीवन और दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे और किसी भी अच्छे क्षेत्र में आप जाओ वो इंटेलिजेंट हो सकता है पर गुणी नहीं गुण बचा ही नहीं है आज के युग में। तो ये एक आर्य समाज का जो स्कूल है और आर्य समाज जितने भी स्कूल हैं वो लगभग जो है बच्चों में जो है संस्कारित उनको करते हैं। अनुशासन में बताया जाएगा भी आगे किस प्रकार में। हाँ, जैसे कि आने वाले समय में चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए अब जैसे कोई इंजीनियर है पुल बनाते हैं उसमें जो मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें कम करते हैं कम से कम हमें इतना विश्वास है कि ये बच्चे जो हैं और जो पुल बनाएंगे वो पुल कभी नहीं गिरेगा ये चीज़ ये बच्चे ज़रूर करेंगे और चाहे डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो या कुछ भी ये बच्चे काफ़ी हद तक जो है संस्कारित रहेंगे समाज और परिवार और देश और संसार की उन्नति में बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहाँ आज स्कूल के अंदर विदाई समारोह जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और हम आप देख सकते हैं हम इसके साथ है इसकी शुरुआत हुई है नमस्कार सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन और इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको पानीपत के जीटी रोड स्थित आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखा रहे हैं जहां आज स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हवन की शुरुआत होगी जिन्हें उद्घाटन कराए गए हैं और साथ ही साथ प्लस वन के जो बच्चे हैं प्लस टू के बच्चों को यहां पर विदाई समारोह की जो पार्टी है वो दी जा रही है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बच्चों को जिन्हें उद्घाटन कराए गए हैं और अब मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ की जो शुरुआत है वो होगा उसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। विदाई समारोह का जो एक कार्यक्रम है आज आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया है और हवन यज्ञ से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां आज स्कूल के अंदर विदाई समारोह जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और हवन यज्ञ आप देख सकते हैं के साथ है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिन्होंने बच्चों को धारण कराए गए हैं और साथ के साथ जो बच्चे यहां से अब जाने वाले हैं उनको अनुशासन ताकि आगे वो किस प्रकार से जहां भी वो जाएंगे आगे शिक्षा के क्षेत्र में वो जाएं या रोजगार के क्षेत्र में जाएं तो किस प्रकार का उनका अनुशासन होने वाला है तमाम जो बातें हैं उनको यहां पर बताई गई हैं सिखाया गया है और हवन यज्ञ आप देख सकते हैं हवन यज्ञ के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई है और सभी जो बच्चे हैं वो इस हवन यज्ञ में शामिल है। आज विदाई सेकेंडरी स्कूल में रखा गया है जिसकी तस्वीरें हम आपने तमाम लोगों से अपील वीडियो को आप जरूर करते रहे। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां आज स्कूल में विदाई समारोह का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। सभी को आपको और आपके सभी दर्शकों को आज हम अपने विद्यालय में जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका ये विदाई समारोह है और जो 11th क्लास के बच्चे हैं 11th और 12th दोनों क्लासों के जो स्टूडेंट हैं वो
उसमें शामिल किए गए हैं। इन सभी जो 11th क्लास के बच्चे हैं, ये 12th क्लास वालों को विदाई समारोह अपने बड़े भाइयों को यहाँ से विदा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर सभी बच्चों को एक यज्ञ स्कूलों में एक विदाई समारोह यहाँ पर उसका आयोजन किया। इन जो 11th क्लास के बच्चे हैं, इनको एक यज्ञ के माध्यम व्यापक विभिन्न प्रकार की बुराइयां दूर रखने के लिए इनको एक संकल्प दें, एक यजोपति बोलते हैं हम, वो धारण करवाई, वो समाज में ये तो अपने आप को बचा सके, अपने देश का, प्रांत का, गांव का, और अपने उसको जीवन को ऊंचा उठा सकें और अपने गति उन्नति और भविष्य का निर्माण कर सकें। नमस्ते जी, सबसे पहले तो आपका आर्य स्कूल में स्वागत है। और आज का जो प्रोग्राम है वो बच्चों को जो कवित धारण करवाया है, और यह जो कवित का अर्थ है कि हम कुछ मर्यादाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने की जो है उनसे आस रखते हैं। और जैसे कि आज जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े कोई या कोई साइंटिस्ट बन तो रहे, हमारी मान मर्यादा और संस्कार खाने को मिलते हैं। हाँ, आज स्कूल का फेयरवेल डे है और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने बच्चों ने खुद और जो स्कूल का स्टाफ है उन्होंने भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर जो है इनको आज समझा क्या था। या जो आने वाले समय में आप 12वीं पास आउट करनी, जो इस संसार में कैसे ईमानदारी से और उससे रहना है, ये सिखाई गई है और सब ने आज हम शपथ लिया, जैसा कि आपने भी देखा। तो विश्वास है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समाज को बहुत अच्छा, अपना बेस्ट और ईमानदारी से जो है अपना जीवन और दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे। और किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, वो इंटेलिजेंट हो सकता है पर गुणी नहीं, गुण बचा ही नहीं आज के युग में। तो ये आर्य समाज का जो स्कूल है, और आर्य समाज जितने भी स्कूल हैं वो लगभग जो है बच्चों में जो है संस्कारित उनको करते हैं। अनुशासन में बताया जाएगा भी आगे किस प्रकार। हाँ, जैसे कि आने वाले समय में चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, अब जैसे कोई इंजीनियर है, पुल बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी है, कम से कम हमें इतना विश्वास है कि ये और जो पुल बनाएंगे वो पुल कभी नहीं गिरेगा। ये चीज़ ये बच्चे ज़रूर करेंगे, और चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कुछ भी, ये बच्चे काफ़ी हद तक जो है संस्कारित रहेंगे, समाज और परिवार और देश और संसार की उन्नति में बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तो आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां आज स्कूल के अंदर विदाई समारोह जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, और हवन यज्ञ आप देख सकते हैं, हवन यज्ञ के साथ है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नमस्कार, सीट तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नवीन, और इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको पानीपत के जीटी रोड स्थित आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां आज स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हवन यज्ञ से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और बच्चों को जिन्हें उद्धारण कराए गए हैं और साथ ही साथ प्लस वन के जो बच्चे हैं, प्लस टू के बच्चों को यहां पर विदाई समारोह की जो पार्टी है वो दी जा रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बच्चों को जिन्हें उद्धारण कराए गए हैं और अब मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ